नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सारे साथी बढ़िया से क्लास में जुड़ेंगे और बताएंगे कि सभी को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है कि नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आ ही रही होगी। ठीक है, चलो एक बार सभी साथी ध्यान देंगे कि आप जानते हो कि आपकी वाली क्लास आपकी स्पेशली होती है यूपीपीएससी के लिए, और यूपीपीएससी में भी किसके लिए, तो आरओआरओ के लिए। जरा बताएं कि देखो, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है विशेषण विशेष। ठीक है, ये टॉपिक आपका ऐसा है जो केवल आरओआरओ में नहीं बल्कि आप बाकी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोग आपके लिए बच्चे उपयोगी होता है। चाहे आप वीडियो की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें कॉन्स्टेबल की, ठीक है, यूपीपी की बात कर लें, कॉन्स्टेबल की बात कर लें, या आप हरियाणा सीईटी की बात कर लें, इन इन परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे आप आरओ आरओ की बात करें, आरओ आरओ में तो यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है, तो सभी साथी एक एक करके जवाब देंगे और बताएंगे बढ़िया से कि क्या हो जाएगा इसका जवाब। कह रहा है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। कौन सी संज्ञा ऐसी है जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयोग नहीं हो सकती है? प्रिय शब्द एक विशेषण है, कह रहा है इनमें से कौन सी संज्ञा ऐसी है जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयोग नहीं हो सकती। जरा बताएं कौन सी संज्ञा ऐसी है जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयोग नहीं हो सकती है। विषय बिल्कुल, आप कहते हैं कि हमारा प्रिय विषय है। कवि बिल्कुल, ये कुमार विश्वास हमारे प्रिय कवि हैं, तो भैया कवि के साथ भी प्रिय लगा दिया, विषय के साथ भी प्रिय लगा दिया। मित्र, ये मेरा प्रिय मित्र है, जिगरी यार है मेरा। लेकिन प्रिय बैरी, कभी भी किसी का कोई दुश्मन प्रिय थोड़ी होता है, तो ये थोड़ी कहेगा ये मेरा प्रिय बैरी है, ये मेरा प्रिय दुश्मन है, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आपका पहले का जवाब हो जाएगा डी। और दूसरा कह रहा है कि संस्कृति शब्द का विशेषण कौन सा होगा। दूसरा कह रहा है कि संस्कृति शब्द का विशेषण जरा बताएं कौन सा हो जाएगा। इनमें से एक ऐसा है जो कि संस्कृति शब्द का विशेषण है, इसमें से एक ऐसा है जो कि संस्कृति शब्द का विशेषण है, जरा बताएं कौन सा हो जाएगा जो संस्कृति शब्द का विशेषण इसमें आपका बनेगा। संस्कृति शब्द से बच्चे विशेषण कौन सा बनेगा, जरा बताएं सभी साथ। सभी साथ जरा बताएं कि संस्कृति शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा। सांस्कृतिक, संस्कृतिक, सांस्कृत या सांस्कृत, तो सांस्कृतिक बनेगा क्योंकि, ठीक है, संस्कृति में आपका एक प्रत्यय जब लगेगा, ठीक है, संस्कृति में तो आपका देखो, हाँ, संस्कृति शब्द में का प्रत्यय लगा है, वैसे तो देखो संस्कृत में समय लगा है, संस्कृत शब्द से बना है संस्कृति, और संस्कृत शब्द में जैसे एक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, सांस्कृतिक बन जाएगा, सांस्कृतिक बन जाएगा, तो संस्कृत से बना है संस्कृति, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रखर कैसा शब्द है, संज्ञा है या प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है या है विशेषण। प्रखर कैसा शब्द है, संज्ञा है या विशेषण है, या फिर आपका ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है। आप कहते हो ना कि इसकी बुद्धि प्रखर है, ये प्रखर बुद्धि है ना, ये लड़का, ये प्रखर बालक है, यानी कि तेज है काफी, तो प्रखर शब्द क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। प्रखर शब्द क्या हो जाता है, विशेषण। प्रखर बुद्धि है अर्थात तेज बुद्धि है, बुद्धि की विशेषता क्या होगी कि बुद्धि प्रखर है, तो बुद्धि हो जाएगा विशेष और प्रखर हो जाएगा विशेषण। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। ये रेखांकित अंश है बहुत सी, इसमें कौन सा विशेषण है, जरा बताएंगे सभी लोग। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा विशेषण है, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। अब लेकिन गलतियों को गिनना चाहें तो गिन तो सकते हैं कि गलतियां कितनी हुई हैं, अगर गिनना चाहें कि गलतियां कितनी हुई हैं तो गलतियों को गिन तो सकते हैं कि बच्चों ने कितनी गलतियां की हैं, तो यानी कि गलतियों को गिना जा सकता है, तो गलतियां संख्यावाचक, और बहुत सी गलतियां अनिश्चित संख्यावाचक। कितनी गलतियां ये तो नहीं पता है, बहुत सी हैं, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। शिव का विशेषण क्या बनेगा, शिव जी या शैव या शिवा या शिवेंद्र। शिव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, जरा बताएं, शिव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, शिव जी बनेगा या शैव बनेगा या शिवा बनेगा या शिवेंद्र बनेगा, जरा बताएं। शिव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, शिव जी या शैव या शिवा या शिवेंद्र। एक ही शब्द इसमें से ऐसा है जो कि इसका विशेषण होगा। अब जरा देखो, कई लोग आप लोग शिवा कह देते हैं,
शिवा तो शिव का स्त्रीलिंग हो जाता है, तो शिवा तो पार्वती को बोलते हैं शिवा, ठीक है, क्योंकि पुल्लिंग मैंने आपसे बताया हुआ है पहले भी, बड़े आकृत का प्रत्यय लगाकर शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, तो शिवा हो जाएगा शिव का स्त्रीलिंग। जैसे मैंने कहा था छात्र शब्द है, तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। हमने क्या किया कि बड़े आकृत मात्रा लगा दी, शब्द स्त्रीलिंग हो गया। शब्द था प्राचार्य, और हमने क्या किया कि बड़े आकृत मात्रा लगा दी, तो शब्द आपका कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, प्राचार्य हो गया। शब्द था महोदय, महोदय शब्द में हमने बड़े आकृत मात्रा लगा दी, शब्द बन जाएगा महोदया, स्त्रीलिंग हो गया, हो गया ना स्त्रीलिंग। तो बस इस प्रकार से आपके शब्द स्त्रीलिंग भी बनते हैं। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, तो याद रखना शैव हो जाएगा, ठीक है। कहते ना कि जैसे शैव धर्म, तो धर्म की विशेषता क्या है कि वो शैव है, तो शैव क्या हो जाएगा, शिव का विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कई बार कहते ना कि शैव मत, शैव धर्म, शैव अनुयायी, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, सब शैव हो जाएगा विशेषण, शिव हो जाएगा विशेष। अच्छा, जीव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, जैव या जैविक या जीव विज्ञान या जीवन। जैव जीव शब्द का विशेषण क्या होगा, गलती करोगे देखना, नाश मिटो गलती करोगे। जीव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, जरा बताइए, जीवन या फिर जैव या जैविक या फिर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो कतई नहीं होगा, ये जान लो आप, ठीक है। ये तो विज्ञान की विशेषता क्या है कि वो जीव है, नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा। जरा बताओ, मैं आपसे कहूं कि जैव या जैविक। अब अभी तुमने पढ़ा था शिव का विशेषण हो जाएगा शैव, तो बहुत से लोग शिव के साथ शैव को लगा देंगे, जरा समझना। यहाँ पर जैविक हो जाएगा, जैसे आप कहते ना कि ये जैविक खनिज है, यह जैविक स्थान है, ठीक है, यह जैविक वनस्पति है, यह जैविक तरीका है, तो ये जैविक आपका क्या हो जाएगा, जैविक शब्द यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है, जैविक शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, जैव नहीं होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, चौगुना या नया या कुछ या तीन। गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा, चौगुना, नया या कुछ या तीन। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, जरा बताएं, गौर करना, ध्यान देना। देखो चौगुना शब्द इसमें क्या है आपका, ये चौगुना आपका हो जाएगा आवृत्ति वाचक विशेषण। ये असल में संख्यावाचक विशेषण का भेद होता है, संख्यावाचक विशेषण का भेद होता है आवृत्ति वाचक। गुने में है तो आप कह देंगे चौगुना कैसा हो जाएगा, एक तो ये निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्यावाचक का कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे आवृत्ति वाचक विशेषण। नया, नया बिल्कुल गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, और गुणवाचक का भी कौन सा भेद का भेद होगा, तो कालवाचक, कालवाचक। गुणवाचक का भी कौन सा भेद होगा, तो कालवाचक, कि नया या पुराना। आप कह दो कि यह नया घर है, तो घर की विशेषता क्या है कि नया है। अब कोई चीज आपके पास अगर कितने समय से है, यही तो तय करता है कि वो नया है कि पुराना है, ठीक है, वही तो तय करता है कि वो नया है कि पुराना है। जैसे हम कहते हैं कि ये एडिटर महोदय नई है, यहाँ पर नई का मतलब ये अभी आई है, इनको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये नई हो गई। जो यहाँ ज्यादा समय से है वो हो गया पुराना। हो सकता है कि उस जो पुराना है उसकी उम्र कम हो, इनकी ज्यादा हो, लेकिन नया और पुराना किस आधार पर होगा, कि उसको समय कितना हो गया है। मान लीजिए ये पेन है, मैं कह दूं ये पेन नया है, तुम लोग क्या गुरु जी नया कहाँ से है, ये तो टूटा रखा। यानी कि मैं कहूंगा नया है, क्यों, मेरे पास ये कम समय से, अभी भी लेकर आया था मैं, टूट गया वो अलग बात है। जैसे कई बार आप कपड़े पहनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे दिवाली की सफाई करी, कोई पुरानी टी शर्ट निकल कर आ गई और तुम बहन के दोस्तों के साथ निकल गए, अब दोस्त कहेगा एकदम नए कपड़े पहने हो। अब दोस्त ने नया क्यों कहा, क्योंकि उसने आपको पहली बार देखा उसमें। आप कहोगे नहीं 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 यार पुरानी है, तो 2 साल हो गए से। तो किस आधार पर कहा आपने पुराना, काल के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर नया कोई क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक का भी कौन सा भेद होगा, तो कालवाचक। कुछ क्या हो जाएगा, कुछ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आगे कोई संख्या दी हुई है या क्या दिया। अगर कुछ आगे गिनती वाली चीज है, जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो रुपए की विशेषता क्या है कि गिन सकते हैं रुपयों को, यह हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। मैं कह दूं कि मुझे कुछ खाने को दे दो, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि खाना को आप गिनोगे नहीं, ठीक है। तीन क्या हो जाएगा, ये गणनावाचक विशेषण होगा, गणनावाचक विशेषण होगा, क्लियर। सातवें का जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा, अपकर्ष पूछ रहा है। उत्कर्ष शब्द का विशेषण, देखो उत्कर्ष का अपकर्ष तो विलोम बनेगा, अपकर्ष तो क्या होगा, तो अपकर्ष तो इसका विलोम बनेगा उत्कर्ष का। कह रहा है कि उत्कीर्ण होगा या उत्कृष्ट होगा, तो
उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। कहते हैं कि बड़े उत्कृष्ट विचार हैं आपके, मतलब बड़े अच्छे विचार हैं आपके। तो विचारों की विशेषता क्या होगी, उत्कृष्ट है, बड़ा उत्कृष्ट बालक है आपका। तो बालक की विशेषता क्या होगी कि वो उत्कृष्ट है। भारत ने बड़ा भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ना एशियाई खेलों में। तो यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन की विशेषता क्या हो जाएगी, उत्कृष्ट हो जाएगी। तो उत्कृष्ट हो जाएगा विशेषण, उत्कर्ष हो जाएगा विशेष। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत क्या है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण या प्रविशेषण या क्रिया विशेषण या सर्वनाम। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो देखो जरा दौड़ना क्या है, तो दौड़ना है क्रिया, दौड़ना क्या है क्रिया है। कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है, तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। कितना तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। नौवें का जवाब सही हुआ। दसवां कह रहा है कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। इधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक या रीतिवाचक या तुलनावाचक या दिशावाचक। जरा देखो, परिमाणवाचक का मतलब होता है कितना। जैसे तुम कह दो कि आज हमने कितनी पढ़ाई करी, आज गुरु जी हमने बहुत पढ़ाई करी, बहुत क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत प्यार क्या हो जाएगा, ये तुलना हो जाएगी, क्योंकि इसको बच्चे कोई तरीका थोड़ी हो जाएगा। तो रीतिवाचक का जब कैसे का जवाब मिले कि आके मैं लेट कर पढ़ता हूँ, पहले होते हैं लंबे हो जाते हैं फैल जाते हैं तब पढ़ते हैं, तो मैं लेट कर पढ़ता हूँ, मैं टहल टहल कर पढ़ता हूँ, ये पढ़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे पढ़ते हैं, टहल कर पढ़ते हैं, ये रीतिवाचक हो जाएगा। तुलनावाचक नहीं होगा आपका, यहाँ पर दिशावाचक भी नहीं होगा, यहाँ दिशावाचक हो जाएगा कि इधर किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, दिशावाचक। वैसे तो ये स्थानवाचक आएगा, पर स्थानवाचक चूंकि यहाँ पर नहीं है तो आप दिशावाचक कह देंगे, ठीक है, दिशावाचक कह देंगे, ठीक है, स्थानवाचक या दिशावाचक। इधर उधर जिधर, ये सब आपके स्थानवाचक। मास का विशेषण क्या बनेगा, एक शब्द होता है मास, है ना, इसका विशेषण पूछा है कौन सा बनेगा, क्या इसका विशेषण मासिक होगा या मासका होगा या मास होगा या मसीक होगा। मास शब्द का विशेषण, देखो मास माने होता है महीना, ठीक है, मास माने होता है महीना, मासिक हो जाएगा इसका विशेषण। जैसे आप कहते हैं कि ये मासिक पत्रिका है, पत्रिका की विशेषता क्या हो गई कि वो मासिक है, वो मंथ में महीने में केवल एक बार निकलती है, तो मासिक क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा मास शब्द का। ऐसे ही अगला प्रश्न कह रहा है कि कई लोग आए थे, कितने लोग आए थे, तो कई लोग आए थे इसमें कौन सा विशेषण है, कई लोग आए थे इसमें कौन सा विशेषण है, जरा बताएं, कई लोग आए थे इसमें कौन सा विशेषण है, जरा बताएं, इसमें क्या, इसमें गुणवाचक विशेषण है या इसमें क्रमवाचक विशेषण है या निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है, कई लोग आए थे, जरा बताएं। तो लोगों की विशेषता क्या है कि लोग कई हैं, लोगों की विशेषता क्या है कि लोग कई हैं, तो लोगों को गिना तो जा सकता है, अगर गिनना चाहे तो, अगर गिनना चाहे तो लोगों को गिन तो सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक नहीं हो जाएगा क्या, भाई संख्या निश्चित तो है नहीं, कितने लोग थे पता नहीं, तो निश्चित संख्यावाचक तो नहीं होगा। क्रमवाचक तो तब कहते हैं क्रम, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां दसवां बारहवां, ये सब क्रमवाचक होते हैं, गुणवाचक भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या। शब्दों के विशेषण रूप देखो, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, इतिहास एक शब्द है जो कि विशेष के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन कह रहा है कि इतिहास से विशेषण कौन सा बनेगा। कहते हैं कि यह ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये ऐतिहासिक पुरुष है, ये ऐतिहासिक घटना है, ये ऐतिहासिक पुस्तक है, ये ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये ऐतिहासिक इमारत है। जैसे कुतुब मीनार या ताजमहल के बारे में जब आप जाते हैं तो वो ऐतिहासिक इमारत है, क्योंकि उसका इतिहास में वर्णन है, और इतिहास उसे ही कहते हैं जो कि वास्तव में घटित हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतिहास शब्द से क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रत्यय का नियम होता है, शब्द होता है इतिहास, जब इसमें आप एक प्रत्यय को लगाओगे तो इसका नियम ये होता है कि पहला स्वर बदल जाता है, दीर्घ हो जाएगा, तो ई जो है वो हो जाएगा आई में, और मिला देंगे शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक, शब्द क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी।
अच्छा ऐसे ही देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विकास, विकास शब्द से कौन सा बनेगा विशेषण, विकास शब्द से क्या विशेषण बनेगा, विकसित या विकासित, विकासित तो कोई शब्द नहीं होता यार, विकासिक या विकास, विकास शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, जैसे आप कहते हैं कि ये विकसित राज्य है, ये विकसित अर्थव्यवस्था है, यह विकसित बालक है, ठीक है, तो विकसित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विकसित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नीति शब्द का से विशेषण क्या बनेगा, नीतिक या नैतिक, नीतिका या नैतिका, नीति शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, नीति शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, जरा बताएं, नीतिक या नैतिक या नीतिका या नैतिका, जरा बताएं क्या हो जाएगा, नीति से बनता है नैतिक, नीति से क्या बनता है, नैतिक बनता है कि ये नैतिक विचार है, ये नैतिक मूल्य है, तो नीति शब्द से विशेषण क्या बनेगा, नीति से विशेषण हो जाएगा नैतिक। कह रहा है कि प्यास से विशेषण कौन सा बनेगा, प्यास शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, प्यासा, प्यासी या प्यासे या फिर प्यासो, प्यासो तो कोई शब्द होता नहीं है भाई, प्यासो तो कोई शब्द होता नहीं है, तो प्यासो या प्यासे, प्यासी है या फिर प्यासा, देखो प्यासा भी बनेगा प्यासे भी बनेगा, पर मुख्य शब्द रहेगा प्यासा, क्योंकि पहले तो प्यासा ही बनेगा, पहले एक वचन बनेगा, उसके बाद ही उसका बहुवचन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्यासे क्या बनेगा, प्यासा, तो कहते हैं कि वो प्यासा पक्षी है, पक्षी की विशेषता क्या है कि वो प्यासा है, वो प्यासा बालक है, बालक की विशेषता क्या है कि वो प्यासा है, तो प्यास शब्द से विशेषण क्या बनेगा, प्यासा। हाँ ये ना होता तो आप इसको कह सकते थे, प्यासे को आप सेकंड पार्टी दे सकते थे कि प्यासे बालक है, प्यासे बच्चे हैं, बच्चे प्यासे हैं, ठीक है, प्यासे बाद में पहले प्यासा। अर्थ शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा जरा बताइए, अर्थ शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, अर्थ माने होता है संपत्ति, पैसा, धन, तो वहां आपसे कह रहा है कि अर्थ शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, अर्था, अर्थी, आर्थिक या आर्थक, तो याद रखना अर्थ शब्द से बनता है आर्थिक, जैसे आप कहते हैं ना कि आर्थिक मूल्य, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है हमारी, तो आर्थिक स्थिति, स्थिति की विशेषता क्या है कि वो आर्थिक है ना, क्लियर, आर्थिक राज है ना, आर्थिक गणना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक विशेषण बन जाएगा। राष्ट्र शब्द से विशेषण क्या बनेगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रिक, राष्ट्रीय या राष्ट्र, एक शब्द बच्चे इसमें से ऐसा हो जाएगा जो कि राष्ट्र शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा, राष्ट्र विशेषण, ध्यान रखना राष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्र शब्द से विशेषण क्या बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा, कहते हैं ना कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये हमारी राष्ट्रीय, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा जो कि राष्ट्र से बना है। किताब शब्द से क्या कौन सा विशेषण बनेगा, किताबी या किताबी है या फिर किताब का या किताबी, किताब शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा जरा बताएं, ध्यान रखना मेरे बच्चे, किताब से विशेषण बनता है किताबी, कहते हैं ना कि किताबी कीड़ा है, कीड़े की विशेषता क्या है, किताबी है, कि केवल किताबी ज्ञान से क्या होगा, व्यवहारिक ज्ञान भी तो चाहिए, तो किताबी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, किताबी ज्ञान, ज्ञान की विशेषता क्या है, किताबी है, ठीक है, किताबी अध्ययन, अध्ययन की विशेषता क्या है, किताबी है। 19वें का ए, विश्वा कह रहा है कि धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है, धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वजनिक या सार्वनामिक, सार्वजनिक तो कोई विशेषण ही नहीं होता, यदि आपने विशेषण ठीक से पढ़े हैं तो आप एक एक विकल्प को तो यही कर दोगे शुरू होने से पहले, खत्म, सार्वजनिक तो नहीं होगा। अब धुंधला कोई संख्या है क्या, नहीं है, क्या धुंधला कोई सर्वनाम है, तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि ये गुणवाचक विशेषण होगा, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक। सरीखा शब्द में विशेषण बताए, गणनावाचक या गुणवाचक, समुदायवाचक या क्रमवाचक, कि तुम्हारे सरीखा कोई नहीं देखा, यानी कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक या गणनावाचक, समुदायवाचक या क्रमवाचक, जरा बताएं। सरीखा शब्द में विशेषण आपसे पूछा है कि सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, गणनावाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा या क्रमवाचक विशेषण होगा,
यह समुदायवाचक मिश्रण होगा। ध्यान रखना कि सरीखा जो शब्द है इसमें गुणवाचक मिश्रण हो जाएगा। सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक मिश्रण हो जाएगा। क्लियर? गुणवाचक, ये क्या है? गुण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो गुणवाचक हो जाएगा। चलिए, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, इसमें वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, इसमें वह कौन सा विशेषण है? जरा बताएं, वह नौकर नहीं आया, इसमें वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक या गुणवाचक या संख्यावाचक या परिमाणवाचक? वह नौकर नहीं आया, तो नौकर की विशेषता क्या है कि कौन सा नौकर? वह नौकर। तो वह यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वह हो जाएगा सर्वनाम। और जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है या संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो ऐसा सर्वनाम क्या कहलाता है? फिर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अच्छा, तीसरा शब्द में विशेषण बताएं कौन सा हो जाएगा? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? पूर्णांक बोधक या आवृत्ति बोधक, गणना बोधक या क्रम बोधक? मैंने अभी आपको बताया था, यदि आप कह देंगे तीन तो हो जाएगा बच्चे क्या? पूर्णांक बोधक या गणना बोधक। पूर्णांक बोधक या गणना बोधक, ये हो जाएगा आपका पूर्ण अंक है। आवृत्ति बोधक में आपका हो जाएगा त्रिगुना, ये शब्द लिखे थे तो इसमें हो जाएगा आवृत्ति बोधक। गणना बोधक तो आप कह देंगे तीन, यहाँ पर भी। क्रम बोधक में आप कह देंगे तीसरा। पूछा था कि तीसरा कैसा है, तो आप क्या कह देंगे? क्रम बोधक है। तीसरा कैसा है? तो क्रम बोधक। चौथाई शब्द में विशेषण बताएं, चौथाई शब्द में विशेषण बताएं। चौथाई में बच्चे क्या है कि संख्या गुरु आदि है। संख्या कैसी है? आदि है चौथाई में। तो कह रहा है कि चौथाई शब्द में विशेषण बताएं कौन सा हो जाएगा। देखो, आवृत्ति बोधक तो नहीं होगा, आवृत्ति बोधक में आ जाएगा चौगुना। गणनावाचक नहीं, ये हो जाएगा चार। क्रमवाचक, ये हो जाएगा चौथा। तो चौथाई क्या हो जाएगा? चूंकि संख्या पूरी नहीं है तो सवाओ कहें या ढाई कहें, चौथाई कहें, पाओ कहें, पौना कहें, ये क्या हो जाते हैं आपके? अपूर्णांक बोधक हो जाते हैं, क्योंकि संख्या पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण होती है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक या गुणवाचक या विशेष या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए, क्या कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए, तो जिस संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण, वो क्या कहलाता है? ध्यान रखना, वो विशेष कहलाता है। ठीक है, संज्ञा चलो भाई, रसोल लेन छोड़ता हूँ भाई, कर लपेट देंगे। जिस संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, वो क्या कहता है? विशेष कहता है। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष है? प्राचीन या अग्नि या मधुर या कर्मठ? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष है? प्राचीन या अग्नि, मधुर या कर्मठ? जरा बताए क्या हो जाएगा। एक शब्द ऐसा है जो कि आपका विशेष है, ध्यान रखना, अग्नि शब्द आपका विशेष हो जाएगा। अग्नि शब्द आपका विशेष हो जाएगा, इससे जो विशेषण बनता है वो आग्नेय बनता है, आग्नेय बनता है अग्नि शब्द से विशेषण। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, जरा बताइए इसमें विशेष कौन सा हो जाएगा? गलती नहीं करना आपकी बात, कर चुके हो आप ये वाले प्रश्न, आप पहले ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराए हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना, ये कुछ प्रश्न आपके मैंने पहले भी कराए हैं, ये वाले। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें विशेष कौन सा है? यदि तुमने तब गलती की थी और अगर आज भी गलती कर रहे हो तो फिर ये बात गलत है,
फिर ये तुम्हारी गलती है, ये गलत बात है ना। कई बार प्रश्न को रिपीट करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि आप दोबारा वो गलती ना करें, और एक बार चेक भी करते हैं हम लोग कि भाई साहब तुमने गलती तो नहीं करी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी हो जाएगा विशेष्य। पानी की विशेषता क्या है कि ठंडा है, ठंडा हो जाएगा विशेषण और पानी हो जाएगा विशेष। पानी की विशेषता बताई जा रही है ना, तो पानी हो जाएगा विशेष्य और ठंडा हो जाएगा विशेषण। तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, 27वीं। 27वां कह रहा है विशेष्य की पहचान करें, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष्य है इनमें से। एक बार सभी साथी बढ़िया से क्लास को शेयर कर दो, बच्चों लाइक भी कर देना क्लास को, ठीक है। आज तुमसे कम बार कहा मैंने क्लास के लिए, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दे, क्लास को शेयर जरूर कर अपने मित्रों को, जरा बताएं विशेष की पहचान करें, कौन सा शब्द गुरु ऐसा है जो विशेष है, बताओ जरा एक बार, बताओ जरा सभी साथी की कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष है। अनाशक्ति, अनासक्त, अनुसंसित या अपमानित। विशेष पूछ रहा है तो अनासक्त नहीं, अनाशक्ति, अनुशंसित, अनाशक्ति, अनाशक्ति विशेष हो जाएगा। यह अपमानित बच्चा है ना, यह अपमानित बात है, यह अपमानित घटना है, यह अपमानित बात है, ये हो जाएगा अनुशंसित, अनाशक्त, ये हो जाएगा। विशेष की पहचान करें, कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष है। पौष्टिक या पाठकीय, भावुक या विशाल। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, विशेष का मतलब गुरु जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो जरा बताओ। पौष्टिक तो विशेषण होता है, कई बार कहते हैं कि बड़ा पौष्टिक भोजन है, बड़ा पौष्टिक भोजन है, यानी कि पौष्टिक तो विशेषण हो जाएगा। तो ये बड़े भावुक व्यक्ति है, बड़े भावुक व्यक्ति है, तो भावुक भी क्या हो जाएगा विशेषण। पाठकीय पुस्तक या आपका बच्चे, ये तीनों तो विशेषण है। विषाद हो जाएगा विशेष, विषाद हो जाएगा विशेष, बाकी तीनों हो जाएंगे विशेषण। यहां पर कह रहा है कि विशेषण शब्द की पहचान करें, कौन सा शब्द है जो विशेषण है बताओ। एक के पहन बनारस वाला, बनारसी अखबार, बनारसी साड़ी, बनारसी व्यक्ति, बनारसी बोली, बनारसी ठाठ बाट। बनारसी क्या हो जाएगा, बनारसी विशेषण हो जाएगा, स्थानवाचक विशेषण। गुणवाचक का ही एक भेद आएगा स्थानवाचक विशेषण, गुणवाचक का ही एक भेद होगा स्थानवाचक विशेषण। 30वें का जवाब ए। 31वां कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम कहते हैं या विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो भाई जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, क्लास को लाइक भी कर देना मित्रों, है ना। एक बार क्लास को लाइक कर देना सभी लोग, क्लास को शेयर भी कर देना, और सभी साथी क्लासों में समय से रहा करें। क्लास आपके समय जानते हैं 8 बजे होती है, सभी साथी क्लास में समय से रहा करें। यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इसमें पुस्तक शब्द क्या है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। पुस्तक शब्द क्या है, विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। रमेश की पुस्तक पुरानी है, ठीक है, ओके। कह रहा है पुस्तक शब्द क्या है, भाई पुस्तक की विशेषता बताई गई है तो पुस्तक हो जाएगा विशेषण। पुस्तक की विशेषता बताई गई है तो पुस्तक हो जाएगा विशेष। पुस्तक की विशेषता क्या बताई गई है कि पुस्तक पुरानी है। पुस्तक की विशेषता क्या बताई है कि पुस्तक पुरानी है, पुरानी हो जाएगा विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का भी कौन सा भेद, तो आपका कालवाचक विशेषण, ठीक है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, विशेषण इसमें आपका हो जाएगा 32वां का ए। 33वां कह रहा है कि इस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इसमें 500 कौन सा विशेषण होगा। इस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इसमें 500 कौन सा विशेषण है, गुणवाचक या परिमाणवाचक, संख्यावाचक या व्यक्तिवाचक। गुणवाचक या संख्यावाचक या व्यक्तिवाचक,
या परिमाणवाचक। इस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं। जरा देखो 500 क्या है, 500 तो संख्या है, कौन सी संख्या है जरा बताएं, कैसा विशेषण हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्या वाचक। प्रश्न की विशेषता बताई गई है तो प्रश्न हो जाएगा विशेष, ठीक है ना। ये तो आसान सा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा भाई, प्रश्न की विशेषता बता रहे हैं तो प्रश्न हो जाएगा विशेष से, और 500 क्या हो जाएगा, 500 विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का जवाब आपका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इसमें खोटी सी में कौन सा विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इसमें खोटी सी शब्द में कौन सा विशेषण है। ध्यान रखना, खोटी सी दिखती है गुणवाचक, खोटी कोई संख्या तो नहीं है, नापतोल भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, और चांदी हो जाएगा विशेष, चांदी हो जाएगा विशेष, क्योंकि चांदी की विशेषता बताई जा रही है। धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, धनामोल, धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक या निश्चित संख्या वाचक, धनामोल शब्द, देख लेता हूँ शब्द क्या था, एक बार शब्द को रीचेक कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। जरा बताए तब तक आप लोग गेस करें क्या हो जाएगा इसका, जरा बताएं सभी साथी। धनामोल शब्द में विशेषण पूछा है आपसे कि कौन सा विशेषण होगा। चलिए हाँ, धनामोल धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, अपूर्णांक बोधक, परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक में बनना चाहिए, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक में बनना चाहिए। धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, संभवतः ये अनिश्चित संख्यावाचक में बनना चाहिए। विशेषण की पहचान करें, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में, डोंट वरी, ठीक है। धनामोल शब्द का कोई स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज कोई खरीदी गई होगी उससे संबंधित कोई चीज होगी, तो एक बार उसको क्रॉस चेक करके बढ़िया से आपको बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। विशेषण की पहचान करें, तालव्य बहिष्कार पुरुष या कुटुंब, तालव्य इसमें आपका विशेषण हो जाएगा। ऐसे आप कहते हैं ना कि ये तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, तालव्य स्वर, तो स्वर की विशेषता क्या है कि वो तालव्य है, व्यंजन की विशेषता क्या है कि वो तालव्य है। जैसे कहते हैं ना तालव्य शाह, तो शाह की विशेषता क्या है कि वो तालव्य है, जैसे इस शाह को बोलते हो ना आप तालव्य शाह, इस शाह की विशेषता क्या है कि वो तालव्य शाह है, तो भाई तालव्य क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्लियर। अगला कह रहा है, कौन सा विशेषण नहीं है, शिक्षा प्रद, स्वस्थ, परिचय या संपन्न। कौन सा शब्द ऐसा है जो कि विशेषण नहीं है, इसमें से शिक्षा प्रद या स्वस्थ या परिचय या संपन्न। सभी साथी जवाब देंगे बढ़िया से, सभी साथी जवाब देंगे बढ़िया से कि इसमें कौन सा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है, शिक्षाप्रद या स्वस्थ या परिचय या संपन्न। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर आपका परिचय शब्द आपका यहाँ पर विशेषण नहीं होगा, परिचय शब्द के स्थान पर अगर परिचित शब्द होता तो परिचित शब्द हो जाता विशेषण। ये हमारे परिचित व्यक्ति है, ये हमारा परिचित, यह हमारा परिचित स्थान है कि मैं इस जगह से परिचित हूँ, तो परिचित जो शब्द हो जाएगा वो हो सकता था विशेषण, लेकिन परिचय शब्द आपका विशेषण नहीं होगा, परिचय शब्द आपका विशेषण नहीं होगा, शिक्षा प्रद हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। एक बात सभी साथी ध्यान रखना मेरी, कि यदि आप में से कोई भी ऐसा हो कि जिसने अभी तक एग्जाम बोर्ड का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, अभी प्रश्न और भी है लेकिन ये बात भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, कि यदि आपने अभी तक एग्जाम बोर्ड का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है जरूर से करें। ध्यान रखेंगे आप कि इसमें आपको जॉब अलर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स मिलेगा। आपको पेड कोर्स तो बच्चे वेल प्लान्ड तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके ही आपके सामने लॉन्च किए जाते हैं, पहले उसमें बकायदा एक मीटिंग होती है हम लोगों की,
सबसे वो है आपका टाइम शेड्यूल मांगा जाता है, सबसे लेसन प्लान मांगे जाते हैं, उसके बाद ही बच्चे हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। तो वेल स्ट्रक्चर तरीके से अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस है कि जितना चाहे आप उतना क्विज और प्रैक्टिस लगा सकते हैं, सब निःशुल्क है। प्रीवियस ईयर के फ्री सॉल्व क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपको मिलेगा। ये सब आपको मिल जाएगा बच्चे इस पर, एग्जाम बोर्ड के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। आपके फोन में इतने सारे एप्लीकेशन रहते हैं लेकिन एक काम का एप्लीकेशन रहेगा तो उससे आपकी बहुत मदद होगी, आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तैयारी भी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, इसलिए इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए, देहात शब्द से विशेषण कौन सा बन जाएगा? देहात या देहाती या दो हाथी या दोहात। कह रहा है कि देहात शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा। जैसे देखो देहाती बनेगा, ऐसे आप कहते हैं ये देहाती बात है, ये देहाती बोली है, यह देहाती व्यंजन है, ये देहाती पहनावा है, तो देहाती हो जाएगा विशेषण और बाकी इसके आगे जो भी लगाए वो विशेष होते हैं। सप्ताह शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? अब सप्ताह शब्द के द्वारा तो कोई विशेषता बताई नहीं जा रही है, लेकिन जब आप कह दोगे साप्ताहिक तो साप्ताहिक हो जाएगा विशेषण। साप्ताहिक आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्लियर? साप्ताहिक हो जाएगा विशेषण, क्लास में साप्ताहिक हो जाएगा विशेषण। क्लियर? देखो सप्ताह शब्द में जब आप एक प्रत्यय को लगाओगे तो शब्द बनेगा साप्ताहिक। सप्ताह शब्द में जब आप एक प्रत्यय को लगाओगे शब्द बनेगा साप्ताहिक। जैसे आप कहते हो ये साप्ताहिक अवकाश है, यह किस रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, तो साप्ताहिक अवकाश का मतलब क्या हो जाएगा कि जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे कह देते हैं साप्ताहिक। तो यह रविवार साप्ताहिक अवकाश है, तो साप्ताहिक क्या हो जाएगा बच्चे? विशेषण अवकाश हो जाएगा। विशेष संज्ञा से किस विशेषण का निर्माण हुआ है जरा बताएं? संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण का निर्माण हुआ है बताइए? ये जो शब्द है इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका निर्माण संज्ञा से हुआ है। संज्ञा शब्द से किस विशेषण का निर्माण हुआ है? देखो फेनिल या धूमिल या लौकिक या प्राथमिक। तो लौकिक या धूमिल या फेनिल, यहां पर होना चाहिए कि किस संज्ञा से। तो यहां पर बच्चे फेना शब्द से, फेना संज्ञा से किस संज्ञा का निर्माण हुआ, किस विशेषण का निर्माण हुआ। अब ठीक है, बताना तो पड़ेगा ना कि किसके, क्योंकि सभी संज्ञा से बने हैं। प्रथम भी लौकिक भी लोक से बना है तो लोक भी संज्ञा है, धूमिल धूप पच्चे धूल से बना है तो ये भी संज्ञा है, तो फेनिल हो जाएगा। तो फेना शब्द से कौन सा विशेषण बना है? फेनिल बना है, फेनिल। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं, कौन सा विशेषण ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना? ठीक है, कौन सा विशेषण ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है? यहां पर भी सेम बात है, बताना होगा तो आप कहोगे कि शुभ विशेषण से। शुभ संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है? भयंकर, शुभंकर, रुचिकर या लाभकर। तो आप कह देंगे कि सॉरी, शुभ से कौन सा विशेषण बना है, कौन सा संज्ञा से विशेषण बना हुआ नहीं? रुचि, शुभ, भय, शुभ, रुचि और लाभ। तो शुभ संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा ये है, ये बनेगा कि कौन सा विशेषण ऐसा है जो शुभ संज्ञा से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको कह देंगे फिर आपका शुभ, ठीक है, क्योंकि चारों के चारों आपके संज्ञा से बने हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जरा बताइए 42 से 45 तक शब्दों का विशेषण बनाइए, शब्दों का विशेषण बनाइए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं पुराण, तो जो शब्द आपको ऊपर दिया गया है उससे आपको बनाना है विशेषण, कौन सा विशेषण बनेगा। पुराण से कौन सा सब विशेषण बनेगा जरा बताओ, पुराणी या पुराणिका या पुराणिका या पुराणिक, जरा बताओ पुराण शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। फिर बच्चे पुराण से विशेषण बनता है पौराणिक, ऐसे कई बार कहते हैं ना कि यह पौराणिक कथा है, यह पौराणिक कथा है, यह पौराणिक पात्र है, यह पौराणिक घटना है। घटना, पात्र या कथा क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे, पौराणिक विशेषण हो जाएगा, पौराणिक विशेषण हो जाएगा।
जरा बताएं पीड़ा शब्द से बच्चे विशेषण कौन सा बनेगा, पीड़ित या पीड़ी या पीढ़े या पीड़। पीड़ा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, पीड़ित या पीढ़ी या पीड़े या पीड़। तो कई बार कहते हैं कि यह पीड़ित पति है, यह पीड़ित बालक है, यह पीड़ित बच्चा है, यह पीड़ित जनता है। तो जनता महंगाई से पीड़ित है, तो पीड़ा से क्या बनेगा, पीड़ित। जिसको पीड़ा हो, जिसको दर्द हो, उसे कहते हैं पीड़ित। तो पीड़ा से क्या बनेगा, पीड़ित। तो पीड़ा शब्द हो जाएगा संज्ञा और पीड़ित हो जाएगा विशेषण। अच्छा, लोक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, लौकिक या लौकिक, लौकिक या लोककी। कह रहा है लोक शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा। अब लोक तो हो गया, संज्ञा भी अपने पीछे बात की थी इससे। अब लोक से विशेषण क्या कौन सा बनेगा, तो आप उसके आगे लगा कर देखो विशेष, आप उसके आगे लगा कर देखो विशेष लोक शब्द के आगे, देखो कौन कौन से बनेंगे। तो देखो जैसे आप कहते हो लोक से बन जाएगा लौकिक, कहते हो ना कि यह लौकिक घटना है, यह लौकिक स्थल है, ठीक है। तो लोक से क्या बनेगा, लौकिक। लोक से क्या बन जाएगा, तो लौकिक बन जाएगा। जैसे आप कहते ना कि यह लौकिक व्यक्ति है, यह लौकिक घटना है, यह लौकिक क्षेत्र है, यह लौकिक भाषा है। तो लौकिक क्या हो जाएगा आपका, लौकिक हो जाएगा विशेषण, लोक से बना है। तो लौकिक क्या हो जाएगा, विशेषण। और आपसे कहा जाए कि कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक। अभी जो पीछे भी बताए ये सब भी आपके गुणवाचक विशेषण ही बनेंगे, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा था पीड़ित, ये भी गुणवाचक विशेषण बनेगा। मैंने कहा था अभी पौराणिक, ये भी गुणवाचक विशेषण बनेगा आपका, ठीक है ना। क्लियर, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण ही बनेंगे। कह रहा है दया शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, ये भी गुणवाचक विशेषण ही है, क्योंकि संख्यावाचक तो है नहीं, दया कोई शब्द, कोई संज्ञा तो है नहीं, नापतोल की बात भी नहीं है, और उसके साथ साथ आपका ये कोई सर्वनाम भी नहीं है। तो दया शब्द से कौन सा विशेषण बन जाएगा, ध्यान रखेंगे कि दयालु बन जाएगा। इसे कहते हैं ना कि ये बड़े दयालु पुरुष है, बड़े दयालु भाई साहब है। तो भाई साहब की विशेषता क्या है कि वो दयालु है, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो दयालु है। दयालु हो जाएगा विशेषण, और पुरुष या भाई साहब वगैरह क्या हो जाएंगे, आपके विशेष हो जाएंगे, ठीक है। तो दया शब्द से क्या बनेगा, दया। दिन का विशेषण बताएं, दिन शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी साथी इसका जवाब देंगे कि दिन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, सभी साथी इस बात का जवाब देंगे कि दिन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, बताएं। दिन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, दिन या दिन के या दैनिक या दिनसा। तो दैनिक बनता है बच्चे, जैसे कहते हो ना कि ये मेरा दैनिक कार्य है, ये दैनिक अखबार है। तो अखबार की विशेषता क्या है कि वो दैनिक है, यदि वो दिन में एक बार आता है, यदि महीने में एक बार आता है तो मासिक अखबार हो जाएगा, सप्ताह में एक बार आता है तो साप्ताहिक हो जाएगा, वर्ष में दो बार आता है तो अर्धवार्षिक या छमाही अखबार हो जाएगा, वर्ष में एक बार आता है तो वार्षिक अखबार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके दिन से बन जाएगा दैनिक। पूजा का विशेषण क्या हो जाएगा, पूजा, पूजन, पूज्य या कोई नहीं। पूजा का विशेषण क्या बन जाएगा, शब्द है पूजा, पूजा शब्द से कहे कि कौन सा विशेषण बनेगा, पूज्य बनेगा या पूजन बनेगा या पूजा बनेगा या इनमें से कोई नहीं। तो पूज्य बनता है, जैसे कई बार कहते हो ना कि पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, पूज्य भाई जी, है ना। तो पूज्य क्या हो जाएगा, विशेषण, पिताजी दादाजी आगे जो भी लगाएंगे वो हो जाएगा विशेष। कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 47वें का जवाब हो जाएगा सी। 48वां कह रहा है कि मान्यता शब्द का विशेषण क्या होगा, मान्यता शब्द का विशेषण क्या होगा। मान्यता शब्द होता है ना कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि मान्यता शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, तो मान्य बनेगा। एक बार कहता हूं ना कि ये मान्य बात है, ये मान्य व्यवहार है, ये मान्य विवाह है। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आठ प्रकार की शादियां होती हैं, आठ प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें चार मान्य विवाह होते हैं और चार अमान्य विवाह होते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका गंधर्व विवाह वगैरह अमान्य में आता है, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, वो आपके किसमें आते हैं, अमान्य विवाह में, और देव विवाह वगैरह आपके किसमें आते हैं, मान्य विवाह में। मान्य क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। जैसे विभाग आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और ये भी आपसे कहा जाए कि कौन सा विशेषण होगा, आप कहेंगे ये भी गुणवाचक विशेषण ही होगा, गुणवाचक विशेषण ही होगा।
पाव शब्द में विशेषण बताइए। पाव देखो, ये पाव का मतलब है, जैसे आप कहते हैं, जैसे बाजार में गए आपने कहा भाई साहब पाव भर आलू दे दो या एक पाव टमाटर दे दो, तो आपने जैसे पाव कहा है ना, तो पाव का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो आपसे चाहे 250 कहे या ढाई कहे या पाव कहे, पौना कहे, सवाओ कहे, साढ़े कहे, ये सब आपके कैसे होते हैं, अपूर्णांक बोधक होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 3.5 गुना, या आपसे कहे कि 3.5 या ढाई या 2.75 या 3.25 या पाओ, ये सब क्या होते हैं आपके, या सवाओ, ये आपके सब अपूर्णांक बोधक होते हैं। 49वें का क्या हो जाएगा, पाओ शब्द में विशेषण कौन सा है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऋषि संज्ञा से विशेषण कौन सा बनेगा। एक शब्द है ऋषि, ऋषि मुनि जो होते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि इससे विशेषण कौन सा बनेगा, आर्ष बनेगा, ऋषिकल्प बनेगा, ऋषि तुल्य बनेगा, ऋषिवत बनेगा। ऋषि संज्ञा से, ऋषि एक संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, यहां पर कह रहा है कि इससे कौन सा विशेषण बनेगा, आर्ष या ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य या ऋषिवत। ध्यान रखना ऋषि से बनता है आपका आर्ष, जैसे मैं कह दूं आर्ष वचन, तो वचन की विशेषता क्या है कि आर्ष है, यानी कि जो ऋषियों के द्वारा कहा गया वचन होता है वो आर्ष वचन कहलाता है। तो आर्ष क्या हो जाएगा, विशेषण, वचन क्या हो जाएगा आपका, विशेष हो जाएगा। क्लियर, चलो ठीक है, यहां तक लगभग सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज आपका प्रॉपर मैंने एक टॉपिक लिया था विशेषण विशेष का, जिसके मैंने आपको लगभग 50 प्रश्न कराए, और सभी साथी ध्यान रखना कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आपकी परीक्षा में यदि मैं आरू आरू की बात करूं तो यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं, तो 10 प्रश्न एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यदि आपको विशेषण और विशेष को अगर आप समझना सीख गए तो एक बहुत बड़ी संख्या आपकी, एक तरीके से कहें कि आपका कवर हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ना है बच्चे, लगातार पढ़ना है, क्लास में समय से आना है, क्लास में अंत तक रहना है, और रोज क्लास में आना है, नोट्स वगैरह बनाते रहना है, पीडीएफ भी इसकी भेज देता हूँ मैं टेलीग्राम पर। और बाकी साथ ही ध्यान रखना कि समय से क्लास में आया करें, और ताकि और अपने नए नए दोस्तों को भी लाया करें, ताकि क्लास में और बढ़िया से क्लास अपने आगे बढ़े और बेहतर चले। ठीक, तो अभी चलते हैं और आपसे अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच।